मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य सरकार से मांग की है। राज्य की शिवराज सरकार से कमलनाथ ने मांग करते हुए कोरोना से हुई मौतों को आपदा से हुई मौत माना जाए, इसकी अपील की है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी मांग कमलनाथ ने की है। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में अपनी ये मांगे रखी है। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह हो गई है। प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 6 लाख से ज्यादा हो चुकी है और अनेक प्रदेशवासी असमय काल कवलित हो चुके हैं। परिजन की असमय मृत्यु होने के कारण उनके परिवार आज असहाय हो गए हैं। परिवार के मुख्य अथवा आय उपार्जन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु से परिवारों की आय समाप्त हो गई है और उनका जीवन यापन कठिन हो गया है। आज ऐसे परिवारों को राहत की अत्यंत आवश्यकता है। साथ ही कमलनाथ ने अपने आगे पत्र में लिखा है कि मेरा आपसे यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध है कि कोरोना से मृत्यु के प्रकरणों में आकांक्षितों को सहायता राशि प्रदान किए जाने हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र में आवश्यक संशोधन करने का कष्ट करें, ताकि कोरोना के इन विपरीत परिस्थितियों में आपदाग्रस्त परिवारों को राहत एवं संबल प्राप्त हो सके। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार कोरोना वायरस के अब तक 6 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित मध्य प्रदेश में ही हो चुके हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ के लिखे गए इस पत्र पर शिवराज सिंह चौहान की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।